देश में कोरोना को लेकर राहत की खबर आ रही है, लेकिन इसे लेकर राजनीति काफी गर्मा चुकी है। ताजा मुद्दा कोरोना और सरकार पर कांग्रेस के टूलकिट का है, जिसके जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पे कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और पीएम नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी का कहना है कि संकट काल में विपक्ष दल ने टूलकिट के जरिए गंदी राजनीति का खेल खेला। उनके अनुसार जब पूरा भारत कोरोना से लड़ रहा था, तब ऐसे बुरे काल में भी कांग्रेस इसका अवसर उठाते हुए भारत की छवि पूरे दुनिया में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस इस बयान के बाद बुरी तरह गर्मा गया और पलटवार करते हुए बीजेपी के आरोपों को झूठा करार करते हुए जेपी नड्डा और संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश करी। बीजेपी ने कांग्रेस पे कई आरोप लगाए, जैसे सेंट्रल विस्टा को पीएम का घर बताया, वेंटिलेटर के नाम पर मोदी को बदनाम किया, वैक्सीनेशन पे भ्रम फैलाया गया और देश का अपमान किया है इस टूलकिट के जरिए। एक तरफ देश कोरोना के दूसरे लहर से जूझने के अलावा तौते तूफान की आपदा से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो देश में आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है।